हेलो फ्रेंड, कैसे हो। टेक्निक लेयर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। गाइज, आज के वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पर रेडमी नोट 9 प्रो के लिए जो एक और इंडिया के अंदर स्टेबल अपडेट रोल आउट कर दिया गया, जो कि एंड्रॉयड 11 बेस ही अपडेट है। MIUI 12 का एक नया अपडेट और रोल आउट कर दिया गया, जिसका वर्जन है MIUI 12.0.4.0। इसका जो ऑफिशियली यहाँ पर जो वर्जन रिलीज किया गया, इससे पहले वाला जो अपडेट था वो था यहाँ पर MIUI 12.0.3.0 का अपडेट। इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ी सी डिटेल में आपसे बात करने वाला हूँ कि इसके अंदर आपको क्या कुछ नया देखने को मिलता है। और गाइज, एक बात पहले बता देता हूँ, मेरे इस वीडियो का टारगेट केवल और केवल इतना है कि आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना कि हाँ, आपके डिवाइस के लिए ये जो अपडेट है वो रोलिंग आउट इसकी स्टार्ट हो चुकी। आपको ये अपडेट मिला या नहीं मिला कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अभी जाइए आप अपने सिस्टम अपडेट में जाइए और जाकर चेक कीजिए क्या आपको ये अपडेट देखने को मिला है या नहीं देखने को मिला है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या कुछ इसके अंदर किया गया। तो यहाँ पर जो गाइज, जिसके अंदर जो वेबसाइट से पता चला है, इतना ही यहाँ पर चेंज किया गया है कि आपको जो सिक्योरिटी का पेच है वो यहाँ पर जो फेब्रुवरी का सिक्योरिटी पेच दिया गया, मैं कहता हूँ मार्च का दे दे तो और अच्छा रहता, क्योंकि काफ़ी सारे डिवाइसेस ऐसे हैं जिनको जो सिक्योरिटी पैच का अपडेट अभी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो उसी मंथ का करवाया जा रहा है जो मंथ अभी चल रहा है, लेकिन आपको एक महीने लेट सिक्योरिटी पैच जो कि फेब्रुवरी का देखने को मिलता है, अच्छी बात है। लेकिन मार्च का होता तो और अच्छी बात होती। तो गाइज, यहाँ पर आपको एक नया सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर फेब्रुवरी के लिए आपके सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया। यहाँ पर गाइज, मैं आपको बता देता हूँ इसके डाउनलोड लिंक्स को लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए। यहाँ पर आप इस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक छोड़ दूंगा OTA अप्लाई का, जिसको डाउनलोड करके आप इस अपडेट को जो इजीली अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज, एक नया अपडेट तो रोल आउट कर दिया गया, आपको मिला था या नहीं मिला था कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और इस अपडेट के बाद आपके डिवाइस के अंदर क्या क्या बग्स आए या क्या बग्स फिक्स किए गए वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इससे जो पहले वाला जो अपडेट था रेडमी नोट 9 प्रो के लिए, उसके अंदर जो गाइज आपको काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को मिलते थे, जैसे कि लैगिंग देखना, शटर देखना या डिस्प्ले वगैरह में काफ़ी इश्यूज़ कैमरा वगैरह में देखने को मिलते थे। आई होप कि इसके अंदर आपके सारे इश्यूज़ को फिक्स किया जाए ताकि आपका यूज़र एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो सके। यदि आपको अपडेट नहीं मिला है तो मैं बता देता हूँ, सिंपल तरीका होता है अपडेट करने का। मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि OTA अप्लाई आप किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अबाउट फोन में आना है एंड सिस्टम अपडेट में आना है, और सिस्टम अपडेट में आने के बाद MIUI का जो लोगो होगा उस पर 5 से 7 बार टैप करके एडिशनल अपडेट की सेटिंग को ओपन कर लेना है। फिर आपको थर्ड डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको चूज अपडेट पैकेज पे क्लिक करना है, और चूज अपडेट पैकेज पे क्लिक करने के बाद जिस रोम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ उस रोम को सेलेक्ट करके ओके कर देना, देना आपका डिवाइस सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड, ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए, मेरे सबसे पहले अपडेट देने का अंदाज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।